अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की जो बेंगलुरु से आई है। यहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। If you claim your vehicle soon after this, you will be charged 100 rupees for wrongful parking and any other violation. You must pay the fine, take the receipt and move the vehicle. Fine नहीं दो, लेकिन फिल्म देखो। ये है बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस का नया फॉर्मूला, जिसके सहारे वो ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखा रहे हैं। Then call out the registration number on the loudspeaker. दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक खास स्टॉल बनाया गया है जहां ट्रैफिक नियमों से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। जो लोग रेड लाइट जंप, हेलमेट के बिना ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग जैसी हरकतें करते पकड़े जाते हैं, उन्हें ट्रैफिक पुलिस के जवान यहां लाते हैं और उन्हें ये वीडियो दिखाए जाते हैं ताकि उनमें ट्रैफिक को लेकर जागरूकता बढ़े। या हम उसको वहाँ पर अपने कियोस्क के पास ले जाके वो वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि वो तरह तरह के मैसेजेस हैं, सीट बेल्ट लगाने के बारे में, मोबाइल ना यूज़ करने के बारे में, ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में, पार्किंग के बारे में, वो सारे मैसेजेस और सारे वीडियोस उसको हम दिखाते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं और उसको बिना फाइन लिए उसको छोड़ देते हैं। इस मुहिम में अब तक 300 ऑफेंडर्स से जुर्माना वसूलने के बदले उन्हें वीडियो दिखाए गए और इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। सख्त ट्रैफिक नियमों के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करना भी जरूरी है। यही वजह है कि अब बेंगलुरु पुलिस ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों को फाइन नहीं करती है, बल्कि एक फिल्म दिखाती है ताकि ये लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।